खत्म करता है मैं बेसिकली क्लास इसलिए ले रहा हूं उजमा आई किराया खर्च करके आया मंडा है ना वापस चलो गया कोई तो आई शुड टीच मुझे पढ़ाना चाहिए ना हाथिक बंद क्या होता है ट्रांस एक एग्जांपल दे हमारे पास शुद्ध सोना है ध्यान से सुनना शुद्ध चांदी है तो एकदम प्योर चांदी है और प्योर तो गोल्ड है प्योर आयरन कोई भी एक धातु प्योर है प्योर का मतलब सारे के सारे परमाणु एक ही प्रकार के अगर गोल्ड है तो एयू है चांदी है तो सारे एजी अब एक ही प्रकार के परमाणु के बीच में कैसा कैसे बन गया कि हम अगर आयनिक यौगिक की बात करते थे तो वहां तो बहुत सी तरह की चीजें थी जैसे एक NaCl की बात करते तो एक N है दूसरा Cl है एक प्लस है दूसरा माइनस है लेकिन यहां पर तो सारे एक जैसे तो एक प्लस होने एक माइनस है ऐसे समझो एक और बात मेटलिक प्रॉपर्टीज धात्विक गुण कैसे कहते हैं धात्विक गुण कैसे कहते बहुत सरल आदि लाइन की डेफिनेशन परमाणु द्वारा आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागने के गुण को धात्विक गुण लिख देता हूं आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागने के गुण को धात्विक गुण पहली बात दूसरी बात धातुओं की क्या क्या विशेषता होती क्योंकि धात्विक बंध बनाते मेरी बात सुनो ध्यान से धात्विक बंध की व्याख्या करनी है तो फिर धातुओं के सारे गुणों की भी व्याख्या होनी चाहिए बंध सारे गुणों की भी व्याख्या करें सबसे पहली बात धातुओं के गुण सबसे पहली बात नंबर एक मोस्ट ऑफ द मेटलिक एलिमेंट्स आर शोज इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या करते हैं धातु चालक विद्युत किसू चालक का दर्शन तो हम बंद मैं बात का बंद की करना चाहता हूँ पर धात्विक बंध ऐसा होना चाहिए जो धातु की सुचालकता की व्याख्या एक और बात चालकता दो तरह की एक विद्युत चालकता और दूसरी ऊष्मीय चालकता इंग्लिश में बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी अरे धातु गर्म भी तो एक और विशेषता धातु आप जानते हो धातुओं की विशेषता धातु है कठोर होती नंबर चार धातु है आघात वर्धनी और तन्य होती बताता हूं आघात वर्धनी का क्या मतलब कि धातु को पीटते हैं ना तो चादर बनती नमक के ढेले को पीटो बिखरता है ना वो भंगुर है डक्टाइल नेचर होता है ये आघात वर्धनी है तन्य होती है तन्य का मतलब धातुओं के तार खींचे जा सकते हैं नमक का तार तोड़ दो बात तो ये सारे एक और बात बहुत ही बात धातुओं में धात्विक चमक होती है अर्थात ताजा कटी हुई सतह धातु की चमकदार तो मैं धातु बंध की व्याख्या करते समय ये बात तो मेरे दिमाग में होनी चाहिए कि वो जैसा भी बंध में व्याख्या करो वो इन गुणों की व्याख्या करे वो अगर इन गुणों की व्याख्या नहीं करता तो मैं धातुक बंध सही नहीं मेरा सही नहीं सीधी सीधी बात है तो धातुक बंध की व्याख्या कैसे की मेरे बात ध्यान से देखो धातुक बंध की व्याख्या तीन सिद्धांतों से की धातुक बंध की व्याख्या तीन सिद्धांतों से की धातुक बंध की व्याख्या तीन सिद्धांतों से की नंबर एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत थ्योरी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत थ्योरी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एक साइंटिस्ट है लॉरेंस साइंटिस्ट का नाम है ड्रूड लॉरेंस और ड्रूड इन्होंने कैसे व्याख्या की दूसरा दूसरी वो है जो बीबीटी और तीसरी है मोटे बात करेंगे ना आप लिखना चाहो तीनों तो लिख दो एक पहले संयुक्त बल सिद्धांत नहीं करो दूसरे सिद्धांत अगला तीन सिद्धांत है अपन एक सिद्धांत पढ़ते हैं मेरी बात सुनना ये सबसे बेसिक और सबसे देसी सिद्धांत था इसको कुछ दिनों में त्यागना पड़ा क्योंकि ये इन सभी की व्याख्या
नहीं कर सकता। क्या ये क्या कहता है? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की धारणा, देखो बात समझ जाता है छोटी क्लास में। हो सकता है आपने कहीं पढ़ा हो, पढ़ा या नहीं पढ़ा ये बात समझ जाना, आज बता दे। ये क्यों कहता है ये सिद्धांत कि सत्य लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार धातु है इलेक्ट्रॉन त्याग कर
किताब में पोटेशियम का एग्जांपल लिया है, लिथियम ले सकते हो, पोटेशियम ले सकते हो। आपको मैंने कल परसों बताया क्या पीरियोडिक टेबल में धातुएं कहाँ होती है, मैंने बताया क्या पोजिशन लेफ्ट हैंड साइड, अरे 75% एलिमेंट का है ना, 75 लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड तक भी काफी पोर्शन में धातु, फिर एक सीढ़ी की सीढ़ी आती है पीरियोडिक टेबल, फिर उप धातु और धातु स्टार्ट होती है ना। सुनो मेरे पास ना, इधर डालो संयोजकता बंध सिद्धांत कैसे बात करता है, मैं एक एग्जांपल दूं लिथियम का, परमाणु क्रमांक 3 1s2 2s, मतलब यूं दो में एक, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, एक। अरे लिथियम पोटेशियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम सबके बाहरी कोश में एक, पहला पीरियोडिक टेबल का पहला एक इलेक्ट्रॉन। तो सपोज ये लिथियम की, ध्यान से सुनना, ये लिथियम की लिथियम और ये नंबर एक स्ट्रक्चर बना, वापस दूसरा स्ट्रक्चर बना है, समझना मेरी बात, लिथियम की कि इनके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, अभी बनाते हैं एक इलेक्ट्रॉन, कैसे बॉन्ड बनाता है इसकी बात, ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे बॉन्ड होता है, पहली बात ध्यान से सुनो कि फिर ये इससे कैसे बॉन्ड होता है, तो ये अनुनाद होता है आपस में, ये वापस टूटता है और ये ऐसे भी बॉन्ड बना सकता है, बात समझ आ रही, ऐसे भी बना सकता है, तोड़ता है ना ऐसे, क्या मतलब ये बीच का एरो कहता है कि एक सेकंड में एक लाख बार तो इस तरह से बॉन्ड बनता है, एक लाख बार इस तरह से, इसका ये मतलब है कि लिथियम इससे भी बनता है, इससे भी बनता है, बार बार बॉन्ड बना रहा है, बार बार तोड़ रहा है, ये तो दो दो सरल स्ट्रक्चर है, चार दूसरी संरचना और बनती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, कैसी संरचना बनती है अभी बताते हैं, देखो ध्यान वापस समझना, चार संरचना वापस बना, लिथियम 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 लिथियम, अभी बता दो उनको याद रखने का तरीका भी बता दो, सरल याद रखने का तरीका, वहां तो आईने क्योंकि क्या था पता है, NaCl से गिरा था और Na Na पास चला जाता है,
सीएल सीएल के बाद चला जाता है, इसलिए वो बिखर जाता है। अगर आप 11 क्लास वो स्ट्रक्चर देखा आईने की योगी का, जब उसमें जोड़ लगाते हैं तो प्लस प्लस पास आ जाते हैं, माइनस माइनस पास आ जाते हैं, इसलिए वो बिखर जाता है ना। यहाँ पर सारे परमाणु एक जैसे, तो एक परमाणु अपने सराउंडिंग लिथियम दूसरे से बंध बना रहा था, खिसक के किसी दूसरे पड़ोसी के पास चला गया, वही प्रक्रिया वही शुरू हो जाता, इसलिए वो बिखरता नहीं, इसलिए वो चादर बन सकती है, उसके तार खींचे जा सकते हैं। ये विद्युत की चालकता दर्शाता है। उष्मा की चालकता कैसे दर्शाता है, मेरी बात सुनो, अभी बता दो। विद्युत की चालकता, उष्मा की चालकता, सारी बात तो एक बार ही बताओ, चलिए बताओ। ऊपर वाले को बोलते हैं तुल्यकालिक, नीचे कहते हैं अतुल्यकालिक अनुदान चालकता, ये दोनों है तुल्यकालिक अनुदान चालकता, और नीचे वाली अतुल्यकालिक। Thank you.
जितने ध्यान से सुनो, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे चालकता उतनी ज्यादा, मुक्त इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा प्रवाह करेगा चालकता उतनी ज्यादा। अगर मैं गर्म कर दूं इसको, किसके प्रभाव की रक्षा करें, गर्म कर दें, तो इसकी चालकता बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़े, क्यों बढ़ेगी उनसे चालकता? इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी। ये गलत बात, घटती। सुनो मेरी बात ध्यान से, क्यों घटती मेरी बात सुनो ध्यान से। ये हम सुनो एक एग्जांपल से समझा सकते कि चालकता क्यों घटती। मैं उस कॉलेज में पढ़ाता था तो इसका एग्जांपल कैसे देता था कि बेटा सपोज ये पैलेस रोड है, ठीक, महल से लेके तीन बत्ती तक ये रोड है, इस पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है खूब सारे। 12 बजे के करीब क्या होता है पता है, कि कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं, कुछ छूटते हैं या बाहर आते हैं, क्योंकि न्यू बिल्डिंग है, ओल्ड बिल्डिंग है, ये बच्चे बाहर आते हैं, बालविंदर के बच्चे बाहर आते हैं, कॉलेज के बच्चे तो बाहर ही होते हैं, ठीक। अब आपको क्या कहें, सुनो ध्यान से, अब आपको क्या कहें कि तीन बच्चे से एक मोटरसाइकिल स्टार्ट करना है तेजी से, इनके बीच में से निकालना और ठेट राजमहल तक पहुँचना, पहले छोड़े राजमहल, और सभी बच्चों को कहा कि अपनी अपनी जगह खड़े हो, खड़े। और आया मोटरसाइकिल वाला, तेजी से अंदर से निकालता हुआ चला, ओके वापस आ। अब के उन बच्चों को कहा कि खड़े मत रहो, दौड़ो इधर उधर, तो बच्चे दौड़, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, उस मोटरसाइकिल को उसी स्पीड से निकाल, ठोक देगा, ठोक दिया, क्योंकि स्पीड और वो कहीं ना मूवमेंट, यस। कम ताप पर परमाणु अपने स्थान पर वाइब्रेट नहीं करते, स्थिर अवस्था में, तो बीच में स्पेस भी स्पष्ट होता है, क्लियर स्पेस। तो कम ताप पर इलेक्ट्रॉन प्रवाह तेज, जैसे जैसे आप ताप बढ़ाते हो परमाणु अपने स्थान पर कंपन करता है। तो मैंने अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखे होंगे तो क्रिस्टल के बीच की जगह होती है इंटरस्टिशियल, तो कंपन क्या करेगा अपने इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो कंपन कर, जितना ज्यादा गर्म करोगे परमाणु उतना ज्यादा कम, और फिर क्या गर्म कर दिया, अब इलेक्ट्रॉन बाहर, तो इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव में रुकावट आती है, बदले, क्योंकि जो स्पष्ट वैकेंट स्पेस था वो हर्डल हो, उसको रुकावट आ रही है, तो वो स्पेस को क्रॉस नहीं कर पाता, तो उसके रुकावट आ रही है, और इलेक्ट्रॉनों की रुकावट आ जाएगी तो चालकता कम होगी, सीधी सीधी बात। तो इसका आंसर क्या है, कम ताप पर परमाणु स्थिर अवस्था में, तो इलेक्ट्रॉन तेजी से कम होते, ताप बढ़ाने पर परमाणु अपने स्थान पर कंपन करते, और कंपन करते हैं तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव में रुकावट आती है, चालकता घटती है। लिखो देखिए अपने आप, अपने आप लिखो।